यूट्यूबरों, क्या आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा? क्या आपकी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे? क्या आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही? आप अच्छा थंबनेल बना रहे हो लेकिन तब भी व्यू नहीं आ रहे? तो दोस्तों, आज मैं आप वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, हम आते हैं जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जैसे मनोज दे हो गया, टेक्निकल गुरु जी हो गया, ये वीडियो के थंबनेल बनाते हैं। इनके थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तभी लोग इन पर क्लिक करते हैं और वीडियो में भी इन्हें अच्छा मिलता है, इसलिए व्यूवर उस वीडियो पे रुका रहता है और उस वीडियो को वॉच करता है, जिससे उसका वॉचिंग टाइम बढ़ता है और वो वायरल हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा थंबनेल बनाओगे और अच्छी वीडियो बनाओगे तो लोग उसे ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स। और कुछ ये ट्रिक भी यूज़ करते हैं, वो मैं ट्रिक बताऊंगा कि वो ट्रिक क्या है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर आप स्किप करोगे दोस्तों तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, आपको आधी अधूरी जानकारी आप लेकर जाओगे, जो कि मेरा भी कुछ नहीं होगा और आपका भी कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मनोज दे अपनी वीडियो पे कैसे थंबनेल लगाता है, उससे थोड़ा रिलेटिव आपको भी अपना थंबनेल बनाना है, कुछ अपने आइडिया से, कुछ दूसरे के आइडिया से। फ्रेंड्स, ऐसे ही यूट्यूबर, कई यूट्यूबर एक वीडियो, एक कंटेंट पे कोई वीडियो बनाता है और दूसरा यूट्यूबर भी उसी कंटेंट पे वीडियो बनाता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छी जानकारी उस वीडियो में देखता है, तो इसलिए उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा ही करना है। और अब आते हैं वीडियो के वायरल होने की बात। तो दोस्तों, ये टैग पर निर्भर होता है, जिससे आपकी वीडियो रैंक होती है और सर्च में भी आती है। दोस्तों, अगर आप वायरल टैग लगाओगे, यानी वायरल टैग वो होते हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च कर रखे होते हैं, अगर आप भी उन्हें अपनी वीडियो में लगाओगे तो जो लोग सर्च करेंगे उसमें आपकी भी वीडियो आएगी। और अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा तो लोग उसे ज़रूर देखेंगे, लोग देखेंगे तो आपकी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, जिससे कि आपकी वीडियो सजेस्टिंग में आएगी और वहाँ से भी अगर लोग देखते हैं तो व्यू बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, इस तरह आपकी वीडियो वायरल होगी। तो आज मैं बताऊँगा कि मनोज दे अपनी वीडियो में कैसे टैग लगाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन कौन से टैग लगाते हैं, और वो भी वो टैग आप अपनी वीडियो में यूज करके उसे अपनी वीडियो को रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैंने भी ये किया है, कुछ हद तक किया है, लेकिन मैं ज़्यादातर सर्च, यूट्यूब सर्च में जाओगे आप, वहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे उससे रिलेटिव बहुत सारे वो आ जाते हैं सर्च में, तो आप उन्हें भी अपने टैग में यूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं भी कुछ उनका लेता हूँ, कुछ वहाँ से लेता हूँ, ऐसे करके अपनी वीडियो में लगाता हूँ। आपका जो टाइटल है वो सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी वीडियो को रैंक कराने के लिए, सर्च में लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन से टैग है जो मनोज दे अपनी वीडियो में लगाते हैं। अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके दोस्तों। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है टैग यू। इस एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यूट्यूब है उसे ओपन करना है। दोस्तों, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको सर्च में मनोज दे या कोई भी फेमस यूट्यूबर है जिसके आपको टैग लगाने हैं उसे सर्च करना होगा। उसकी कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो वही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन शो होगा, इस URL को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको एप्लीकेशन है जो हम मैंने बताया टैग यू, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गेट टैग फॉर्म URL इसे ओपन कर लेना है। हम मनोज दे की वीडियो URL डाल देते हैं और चेक के ऊपर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो चेक पर क्लिक करने के बाद एक ऐड आती है दोस्तों, 5 मिनट की, उसे आपको देख लेना है। देखिए दोस्तों, ये ऐड आ गई, इसको आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको मनोज दे के सारे वायरल टैग शो होंगे, इसको भी आप कॉपी करके अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। दोस्तों, कॉपी कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको सिंपली इनके ऊपर टच करना है, जो भी टच करोगे आप वो टैग आपका कॉपी हो जाएगा। और ये टैग को कॉपी करने के बाद आपको अपनी वीडियो में इसी टैग को लगाना है। इस टैग को आप टाइटल भी बना सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हो और अपनी वीडियो के टैग में भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।